नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिन नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। ये तस्वीरें मैं आपको केदार घाटी की दिखा रहा हूं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक 32 कमरों का एक होटल क्षतिग्रस्त हो रहा है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और क्षतिग्रस्त होने के साथ पूरा धराशायी हो गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग इस होटल के टूटने की वीडियो बना रहे हैं और ये होटल पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग देखते रह गए और भूस्खलन की चपेट में आने से इतना बड़ा होटल क्षतिग्रस्त हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोग किस तरह से अपनी जान माल की रक्षा करते हुए भाग रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि होटल के एक एक मंजिल किस तरह से धराशायी हो रही है। इन तस्वीरों के साथ आपको बता दें कि केदारनाथ घाटी में लगातार बारिश होने के कारण सड़क मार्ग पूर्ण तरह से कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और खुमेरे की बात करें तो खुमेरे में भी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। वहीं अगस्त मुनि की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। तो आप रामपुर की बात करें तो यहाँ पे ये होटल क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा मार्ग मार्ग के नीचे पूरा होटल धराशायी हो गया है। तो वहीं क्या अगर गौरीकुंड की बात करें तो गौरीकुंड में 3 दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। उनमें से अभी तक 3 लोगों को ही लोग मिल पाए हैं, बाकी लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो लगातार केदार घाटी में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है उसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से होटल धराशायी हो रहे हैं, तो सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो रही हैं, तो पहाड़ से गिरने वाले मलबा के कारण कई मकान भी उसकी जद में आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केदार घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं केदार घाटी के हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से ये होटल धराशायी हो गया और लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अपना घर ही चला जा। अगस्त मुनि से पीछे इंटर कॉलेज के साइड में भारी मलबा आने से मकान मलबा गिरने से पहले अगस्त मुनि इंटर कॉलेज के सामने रोड बंद भारी मलबा आने से। अगस्त मुनि के सामने इंटर कॉलेज के पीछे भारी मलबा आने के कारण रोड बंद अभी